Yo, check. लंबरदार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जी आज हम अपनी मनपसंद जो है ड्रीम कार वो लेने जा रहे हैं। थार रॉक्स मैंने बुक करा रखी थी और फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है और ये वेरिएंट है जो AX5L है। मैं अभी गाड़ी जो है अनवील कर रहा हूँ। तो ये है जी AX5L डीजल ऑटोमेटिक 4x2। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई ऑटोमेटिक है, लेदर राइट सीट आती है छोटे वाली, इसमें सनरूफ आती है। अभी इसकी जो है हम PDI करने आए हैं। PDI में क्या क्या चेक करते हैं इस वीडियो में अभी बताऊंगा। आज हम इसकी सारी पेमेंट वगैरह कर देंगे और कल इसकी जो है धनतेरस वाले दिन जो है इसकी डिलीवरी लेंगे। और कल मेरी सालगिरह भी है और धनतेरस भी है, कल इसकी जो है बिस्ट की जो है वो डिलीवरी लेंगे। PDI करते हैं, PDI में बताऊंगा आपको क्या क्या चेक करना है। तो जी जिसका था इंतजार वो आ चुकी है भाई। चाबी गाड़ी तो यही है, ये है भाई चाबी। दोनों चाबियों में जो है वो बटन दिए गए हैं। अभी इसकी PDI करते हैं। और दिव्यान को अभी पता नहीं है हम कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो अभी वो आ रहा है, उसको सरप्राइज देंगे। दिव्यान भी आ चुका है, PDI कर रहा है। कैसी लगी दिव्यान गाड़ी, तेरे को यकीन था ये गाड़ी ले रहे हम? देखा सिस्टम पार दिया ना। PDI में आपने क्या करना है, सबसे पहले ना आपने ये देखने हैं, ये जो है ना ये बिल्कुल है ना बॉडी से है ना मिले रहने चाहिए, कहीं से भी जो है निकला विकला ना हो। ये जितने भी ज्वाइंट है ये आप देख सकते हैं, ये जो ज्वाइंट है ये बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। साइड में से देख लो कोई डेंट वेंट या पेंट तो नहीं है साइड में, क्योंकि दिन में जो है आप PDI करेंगे तो वो सबसे बेटर रहती है, क्योंकि उसमें पता लग जाएगा कहीं पेंट होगा तो। और प्रॉपर अंदर से इसको चेक करेंगे भाई, इसके सारी चीज वर्किंग कर रही है नहीं कर रही है, देख सकते हैं। हाँ पूरी प्रॉपर ठीक है, कहीं से भी जो है कोई भी ग्लास वगैरह पे कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। साइड मिरर भी ठीक है, यहाँ पे कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। और टायर भी देख सकते हैं, टायर पे भी जो है वो डेट मेंशन रहती है कब की है। ये प्रॉपर आपने आप लोगों ने PDI करते हुए चेक करनी है। और फ्रंट में आप देख सकते हैं साइड के कोने वोने कहीं चलते हुए टच वस्तु नहीं है। गाड़ी निकालते हैं ट्रक में से तो यहाँ कोने में से कई बार क्या है स्क्रैच वगैरह पड़ जाता है। तो ये देखो भैया इसका जो है फ्रंट लुक है, साइड से भी ठीक है। तो ये प्रॉपर आपने देखनी है, खिड़की सारी खोल के देखो कि भाई प्रॉपर जो है वो बंद हो रही है नहीं है, नॉर्मल अपने आप जो है वो बंद हो रही है नहीं हो रही है। ये देख लो पूरी प्रॉपर जो है आवाज वो आ रही है। और इनकी सब की जो है रबड़ भी चेक करनी है कि रबड़ कोई निकली तो नहीं है, क्योंकि अगर ये निकली होगी तो पता लग जाएगा ये प्रॉपर जो है वो पूरी सेट है। सीट भी देख लेनी है आपने कि वो गंदी तो नहीं है। तो भाई ये थैली है, ये अपनी नई गाड़ी है भाई, बाद में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अभी इसमें जो है पूरी थैली चढ़ा देते हैं क्योंकि गंदी हो जाएगी, व्हाइट इंटीरियर बाद में देखेंगे। फ्यूल टैंक खोलिए, फ्यूल टैंक मैंने अभी खुलवाया है। तो यहाँ पे देख लो कोई जंग वंग या कोई ये जो है तार वार तो प्रॉपर ठीक है। तो भाई ये भी ठीक है, लाइट वगैरह पूरी चेक करनी है कि भाई इंडिकेटर इसके ब्लिंक कर रहे हैं, DRL वगैरह जल रही है नहीं जल रही है। तो मैं जैसे ही अनलॉक करूंगा तो ये देख लो इसकी जो है DRL ऑन हो गई। कैमरा वैमरा प्रॉपर चेक करना है, स्टेपनी देखनी है, बाकी पीछे जो डिग्गी है वो भी प्रॉपर देख लेनी है। ये रबड़ वगैरह पूरी सेट है इसकी। अभी इसको वाइपर वगैरह को है जो सारा चेक कर लेंगे, शोकर वोकर सब ओके है। पीछे से भी गाड़ी जो है साफ है, बाहर से तो गाड़ी जो है वो ओके है। ये रबड़ वगैरह आप मैच कर लो कि भाई प्रॉपर सेट है नहीं है। अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर से जो है इसका वो चेक कर लेते हैं। बाकी जो ये है ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई स्क्रैच वगैरह रहता है तो आपने बताना है कि भाई स्क्रैच है, उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको भाई थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा। गाड़ी तो फिर भी आपने लेनी है, बाकी गाड़ी बाहर से ओके है। एक बार गाड़ी छत पे भी देख लेते हैं, सनरूफ वगैरह प्रॉपर जो है वो फिक्स है, कहीं से कोई रबड़ वगैरह निकली नहीं है, प्रॉपर ओके रिपोर्ट है। ऊपर से गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है भाई। इंजन वगैरह भी अपना चेक कर लेना, ये नट वगैरह जो है ये प्रॉपर जो है वो फिट है, क्योंकि खोलने के बाद है ना इन पे पेंट उतर जाता है। तो ये भाई पूरे सेट है, इंजन विंजन जो है आगे से लगी वगी ना हो तो भाई प्रॉपर जो है अपनी गाड़ी ओके रिपोर्ट है। ये देख सकते हैं एमरोन की बैटरी वैटरी सारा फिक्स है, कोई इशू नहीं है भाई, बिल्कुल टनाटन जो अपनी गाड़ी रहने वाली है नई की नई है। यहाँ पे इसमें इंसुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं आता, ये नॉर्मल है। बाकी डेंट वेंट कुछ नहीं है प्रॉपर, देखो ये जो मार्किंग है इसमें नई गाड़ी में ये मार्किंग आती है भाई इस तरीके से, तो ओके है। कूलेंट वूलेंट सब। चलो जी अब अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं। एक बार जो है इसकी हेडलाइट ऑन करके देख लेते हैं भाई। अभी भाई ये हेडलाइट चेक कर रहे हैं, डीपर मार डीपर, नीचे फॉग लैंप। तो भाई नीचे की फॉग लैंप भी जो है ऑन हो गई और अपनी DRL भी ऑन हो गई, प्रॉपर चेक कर ली। पीछे टेल लाइट भी चेक कर लेते हैं, आगे के इंडिकेटर वगैरह सारे जो है वो जल रहे हैं, पीछे की टेल लाइट वगैरह वो भी सारी जो है प्रॉपर काम कर रही है। अंदर से देख लेते हैं, बाहर से गाड़ी जो है बिल्कुल ओके, कोई स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है अपनी गाड़ी में। तो जी फाइनली भाई अपनी गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और अभी इसकी जो है वो चेक कर लेते हैं भाई। ये साइड के मिरर जो है वो चल रहे हैं प्रॉपर, आपने ना मोटर वगैरह सब की जो है चेक कर लेनी है कि प्रॉपर वर्किंग है नहीं है, तो ये सारे जो है काम कर रहे हैं। सारी जो पावर विंडो है वो प्रॉपर है ना चेक कर लेनी है, सारी की सारी जो है काम कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल जो आइटम है वो आपने ना वो चेक कर लेना है कि प्रॉपर काम है। पीछे वाली चेक कर दी, पीछे से उतर रही है ना, दोनों साइड का देख चेक कर, हो रहा है ना पीछे से, बस ठीक है भाई। अपना हॉर्न भी काम कर रहा है, क्रूज कंट्रोल वगैरह है, वाइपर वगैरह भी अपना भाई प्रॉपर काम कर रहे हैं, कोई
कोई इशू नहीं है। बाकी एसी भी भाई ओके है, मैक्स एसी का इसमें ऑप्शन दिया गया है, ड्राई मोड है, अपने बटन वगैरह ये देख सकते हैं आप इधर से जो है अपना चेंज कर सकते हैं यहाँ से बटन दबा के, और प्रॉपर भाई काम कर रहा है। एक बार सनरूफ भी अपनी ओपन करके देख लेते हैं, काफी स्पीड है इसकी खुलने में, है ना, और ये देख सकते हैं एक बटन दबाते हैं ना काफी स्पीड है इसकी। तो भाई अपनी सनरूफ वगैरह वो ओके है। बाकी अभी म्यूजिक सिस्टम जो है वो चेक कर लेते हैं। टायर में एक में हवा कम है, AX5L में जो है डिजिटल मिलता है आपका MID। बाकी दोनों चाबी जो है इस तरीके से आती है, दोनों चाबियों में जो है बटन दे रखा है। पहले जो एक की आती थी वो डम्मी आती थी, अब दोनों चाबी जो है वो आपकी इस तरीके से मिलेंगी। वायरलेस चार्जर है इसमें, बाकी टाइप सी का पोर्ट है, 65 वोल्ट का, सबसे बढ़िया चीज है। हवा पूरी पीछे एसी की हवा आ रही है, दिव्यान चेक कर ले, चल रहा है ना एसी, है आ रही है ना। चलो जी अभी म्यूजिक सिस्टम और इसका चेक कर लेते हैं। ना बात करूं डेटी, ना करूं आर पार।